छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र की, बाण सुत हनुमान की, उमापति महाता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतरी में बहुत दम है, आप क्या रहिए महाराष्ट्र तक तो पहुंचेगी ही, दिल्ली तक पहुंचाना है। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे विधायक और उम्मीदवार बहन रंजना साहू जी, मंच पर उपस्थित, चुनाव का मौसम शुरू हो गया, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है, पिछले चुनाव में जो 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय, किसको मिला? न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को, उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए। कैसी है, एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे, अब तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया कहाँ बनाओगे, ना नदी है ना नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताइए, आपने क्या किया? ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को, महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम, और झूठ तो बोलने को ओलंपिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साहब, किसी को भूल नहीं सकते। आज देखिए धान की खरीदी में सारा पैसा मोदी जी का और मलाई खाते बघेल जी, मोदी जी से पैसा लेते उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है, बोलते 600 रुपया दूंगा, किसको देते पता नहीं है, सारा पैसा मोदी जी का और उसमें भी जो धान खरीद होती है धान कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता।